Assalamu alaikum. I'm Midhat Abbas and I welcome you to Gohar Publishers. They have a strategy of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So, bachon, aaj humne Gohar English textbook grade 4 ka unit number 9, Choice of Careers, uski exercise start karni hai. So, let's move ahead. Page number 95, section is formal and lexical aspects of language. Question A hai, classify the words by putting them in the relevant columns. अब आपके पास चार कॉलम बनेंगे, ग्रैब अ पेंसिल और अपने पास चार कॉलम्स बना लीजिए. नाउन, वर्ब, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव. नाउन क्या होता है? एक्सेलेंट, नेमिंग वर्ड्स. वर्ब क्या होता है? वेल डन, एक्शन वर्ड्स. प्रोनाउन्स, ऐसे वर्ड्स जो नाउन्स की जगह यूज होते हैं. और एडजेक्टिव्स, ऐसे वर्ड्स जो नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट बाय द फर्स्ट कॉलम. नाउन में क्या क्या आ जाएगा? टीचर, प्लैनेट, फूड, लाइफ. वर्ब में क्या आएगा? सेंड, ड्राइव, हेल्प, बाय, सेव, चूज, लाइक. प्रोनाउन में क्या आएगा? इट, वी, दे, शी. और एडजेक्टिव में क्या आएगा? हार्मफुल, लॉन्ग, नॉन टॉक्सिक, नेचुरल एंड क्लाइमेट. लेट्स मूव टू पेज नंबर 96. सब्जेक्ट प्रोनाउंस. सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी. Question says, which is question B, select the correct pronoun, write it in the blank. नीचे दिए हुए जुमलों में आपको उन्होंने तीन तीन ऑप्शंस दी हुई हैं. आपने उसमें से जो सही प्रोनाउन है वो चूज करके इन सेंटेंसेज में लिखना है. वन, द चिल्ड्रन आर एट स्कूल डैश आर लर्निंग मैथ्स, दे आर लर्निंग मैथ्स. टू, अजीम लव्स क्रिकेट डैश प्लान्स टू जॉइन द क्रिकेट टीम, ही प्लान्स टू जॉइन. थ्री, स्टूडेंट्स कोऑपरेट विद द टीचर डैश आर अ टीम, we are a team. 4. Mohsin is happy because Dash is having fun, because he is having fun. 5. My name is Ali, Dash am your classmate, I am your classmate. 6. Dash can use my camera as long as you wish, you can use my camera. 7. Look at the new desk, Dash is very neat, it is very neat. The squirrels eat nuts, Dash liked the taste of them, they like the taste of them. आगे question C है, which is match the words with their meanings. आपने नीचे जो अल्फाज दिए हुए हैं उनको अपने मायनों के साथ match करना है. Flip off, switch off. Cut down on, reduce. Select, choose. Educate, teach. Save, protect. Our planet, earth. Let's move to page number 97. यहाँ पे बात हो रही है हाउ मेनी और हाउ मच की. अगर आप इसको रिकॉल करें तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउंस आपको रिकॉल करवाएगा. सो क्वेश्चन नंबर डी सेज, कंप्लीट द ब्लैंक्स विद हाउ मच और हाउ मेनी. वन, डैश स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, हाउ मेनी. टू, डैश डज दिस चेयर कॉस्ट, हाउ मच. थ्री, डैश एग्स आर देयर इन अ डजन, हाउ मेनी एग्स. 4. Dash days are there in a week, how many days? 5th, dash sugar would you like in your tea, how much sugar? 6. Dash time does it take to get there, how much time? 7. Dash sweets do you have right now, how many sweets do you have right now? 8. Dash homework does your teacher give, how much homework does your teacher give? Dash money should I pay, how much money should I pay? 10th, Dash computers does your school need, how many computers does your school need? Next section is on subject verb agreement, कि हमने subject का जो number है यानी plural है या singular है उसको देख के उसके साथ verb लगाना होता है कि उसके आगे s लगेगा या नहीं लगेगा, मतलब verb की plural form use होगी या नहीं होगी. जब third person में singular हमारा नाउन होता है तो उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, और अगर प्लूरल हो जैसे दे, वी, तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता. क्वेश्चन सेज, राइट द सेंटेंसेस करेक्टली. अब मैं जो ऑप्शंस हैं उनकी जगह डैश बोलूंगी एंड देन आई विल गिव यू द आंसर. एवरीवन डैश रिटन लेटर्स, एवरीवन हैज रिटन लेटर्स. टू, नाइदर साजिद नॉर माजिद डैश बीन लेट दिस वीक, हैव बीन लेट दिस वीक. थ्री, ईच स्टूडेंट dash given a prize, was given a prize. 4. There dash many people waiting in the queue, there were many people waiting in the queue. 5th,
बोथ बॉयज डैश सॉरी आर सॉरी। आज की वीडियो बस यहीं तक, अब अगला जो पार्ट है एक्सरसाइज का वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दिस इज मी साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।